अपना सोना तुमको दे देंगे, फिर पुनस्पत्तो मुझे तब्या, हम अपने इस गिरवी धरोहर को फिर तुमसे छुड़ा देंगे, अभी हमने तुमको दे दी है। अब स्वर्ण उपनयन, इसमें श्लेषण का प्रयोग है, स्वर्ण उपनयन और स्वर्ण उपनयन दोनों अर्थ हो जाएंगे, मन सोना तुमको प्रदान करके अथवा स्वर्ण श्री राधिका उनका तुमको दान करके फिर हम अपनी माला को छोड़ा देंगे। तो दोनों कह रहे हैं कि स्वर्ण का उपनयन या स्वर्ण का उपनयन, सुंदरी का उपनयन तुमको प्रदान करके हम अपनी माला को छोड़ा देंगे। ऐसे कहा श्री ललिता कह रही है, राधिका उस समय कह रही है कि ललते प्रेक्ष भागदेव तपस्या मुक्ति का बल दिया, आहा इस माला के भाग्य का वर्ण भाग्य दर्शन कर ये आज श्याम सुंदर के कंठ की शोभा बनेगी, श्याम सुंदर के हाथ में विराजमान होगी ये माला, कैसी सौभाग्यशाली है। श्री प्रिया जी का एक स्वभाव है कि महाभाव में अयोग्य के प्रति आदर और परम योग्य होने पर भी अपनी निंदा, ये महाभाव का सह स्वभाव। सो कह रही है इस माला को तो ग्रहण का, श्री ललिता जी कह रही है कि तब निषेध को ना राधे स्तन शंभु मुक्त कावली श्रद्धा हरे विरहिती हृदय तब कथनीय कथक महिमा, कि आहा अली सखी तब निषेध पुनः राधे स्तन शंभु मुक्त कावली श्रद्धा, कि तेरे वक्षस्थल रूपी शिव का स्पर्श प्राप्त करके सेवन करने से ये मोती की अवली शुद्ध हो गई है। अर्थात तूने अपने वक्षस्थल के ऊपर इस मोती की माला को धारण किया और जितने भी ज्ञानी जन हैं वे भी संसार की निवृत्ति के लिए मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का आराधन करते हैं, क्योंकि शिव मोक्ष दाता है, इसलिए शिव की आराधना करके जैसे ज्ञानी मुक्त हो जाते हैं, मुक्त होने के लिए शिव की आराधना करते हैं, इसीलिए तब निषेप्य पुनः तुम्हारा निषेवन करने से तुम्हारी सेवा करके पुनः माने पवित्र हो गई है। हे राधे स्तन शंभु मुक्त का बली श्रद्धा, आज स्तन रूपी शिव का तुम्हारे भक्षण रूपी शिव का सेवन करके ये मोती की माला परम शुद्ध हो रही है। हरे विहरते हृदय, श्री हरि के हृदय में ये विहार कर रही है, अभी सखी इसमें महिमा तो तेरी है, तेरे वक्षस्थल के सेवन के कारण ही इस मोती की माला को मुक्त को मुक्त विश्लेषण का, मुक्त माने मोती, मुक्त माने मुक्त हुआ व्यक्ति, इस मोती की माला रूपी मुक्त को श्री कृष्ण के हृदय में विहार करने का स्व अवसर प्राप्त हुआ। हे सखी कथनीय कथम महिमा, तेरी महिमा का क्या वर्णन किया जाए, तेरी महिमा अद्भुत होकर के विराजमान है। तो तब निषेध पुनाराधे स्तन शंभु मुक्त कावली श्रद्धा, ये परम सुंदर आर्या छंद है, यस्य पादे पृथ्वी द्वादश मात्रा तथा तृतीय भी, तो जिसके ये वही आर्या छंद जो है पहले प्रथम में और तीसरे में बारह बारह मात्रा और फिर आगे मात्रा है, उसका नाम आर्या छंद है, ये आर्या छंद का ही प्रयोग कर रही है। के तब निर्देश निषेध बहुना, तेरे द्वारा सेवित जिसका शरीर है उस शरीर के द्वारा
निषेध के सेवन करने योग्य तेरे शरीर के द्वारा ये मुक्तर और कावली उसी प्रकार शुद्ध हो गई है जैसे मुक्त जन भगवान शिव का सेवन करके मुक्त हो जाते हैं। और ये हरे बेहद हृदय श्री हरि के हृदय में प्यार कर रही है तब कथनीय कथन महिमा अभी सखी तेरी महिमा का क्या निरूपण किया जाए। श्री राधिका ललिता से झगड़ा करती हुई कह रही है, प्रणय क्रोध करती हुई कह रही है कि अरि कुटिले अगर प्रलापे जाकर बोले मत प्रेक्षता इतो प्रचुरम भंगुरिया भ्रमर कलन कलन के तया बनमालया सौभाग्य लीलायतम। देख इतो प्रचुरम भंगुरिया मेरी जो माला है इस माला से भी श्याम सुंदर ने जो बनमाला धारण कर रखी है वो बनमाला तो और भी टेढ़ी है। ये तो मोती की परम निर्मल माला है परंतु श्याम सुंदर ने जो बनमाला धारण कर रखी है वो तो और भी भंगुरावा में टेढ़ी है। फिर उसमें एक दूसरा दोष और है बनमाला में कि भ्रमर कलंकित है वो भोरों से कलंकित भी है अर्थात भोरे भी उस माला के ऊपर घूम रहे हैं। उस माला का सौभाग्य वन माला का सौभाग्य और भी ज्यादा विराजमान है वो तो पहले से ही विराजमान है। इसलिए जिसने मेरा मेरे वक्षस्थल का स्पर्श नहीं किया है उसको भी शास्त्र ने अपनाया इसलिए तो मुझे जो श्रेय प्रदान कर रही है कि तेरे वक्षस्थल पर विराजमान भगवान शिव उनका सेवन करने से ये माला शुद्ध हुई है ऐसा मत कर क्योंकि टेढ़ी होने पर भी भौरों से युक्त होने पर भी पर माला तो पहले से ही श्याम सुंदर के वक्षस्थल के ऊपर विराजमान है। इसलिए बनमाला की भाग्य में जैसे मेरा कोई योगदान नहीं है मेरा कोई हाथ नहीं है उस बनमाला का भाग्य निस्संदेह इस मोती की माला से बड़ा है ऐसा कहकर के अर्थात मेरा जो संबंध है वो व्यर्थ है मेरे संबंध को श्लाघा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है व्यर्थ में मेरे संबंध को श्लाघा प्रदान मत कर और ये श्लाघा देकर के मेरी बड़ाई करके मुझे दुख मत दे ऐसे जिस समय कहा उस समय श्री मधुमंगल ऐसा कहकर के श्री राधे का बनमाला उनके प्रति ईर्ष्या प्रकट करने लगती है। ये मावा का स्वरूप के अयोग्य के प्रति भी अत्यंत आदर विशुद्ध साधन ब्रज हरिण नेत्रिशम द्वेशम किम बनमाले रचयसी त्रिणी कुर्वत्यस्मान बहु अगरको आशकमिदं परिश्वज्या पादं महत हृदय या विरासी। बोले अरि बनमाले बनमाला को संबोधित करके श्री महाभाव में कह रही है बनमाला के प्रति ईर्ष्या प्रकट करते हुए कह रही है अयोग्य के प्रति ईर्ष्या ये यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि विशुद्ध साधन हरिण नयना अंशन अरि बनमाला तू हम ब्रज गोपिका गणों के साथ में क्यों निरंतर निरंतर द्वेष भाव रखती है हम तो विशुद्ध आदि विशुद्ध स्वरूप आदि ब्रज हरिण नेत्रा भी ब्रज की जितनी भी मृग नयनी सुंदरी गण है ये तो विशुद्ध स्वभाव वाली है इनके साथ में अनिशम त्वम अध्यात्म द्वेषम तू अध्यात्म साक्षात क्यों द्वेष धारण करके बैठी हुई है क्यों तूने द्वेष पाल रखा है हम गोपियों के साथ
किमित बनमाले रचय से अभि बनमाला, हम गोपियों के साथ में द्वेष करना उचित नहीं है, उचित नहीं है। त्रिणी कुर्वति अस्मान, हाय तू हमको तो त्रिणी कुर्वति अस्मान, हमको तो तिनका जैसा समझ करके तूने फेंक दिया। जहां पर अनादर होता है वहां पर विभक्ति द्वितीय जो चतुर्थी आती है विभाषा अनादर, तो त्रिणी कुर्वति अस्मान, तू हमारे क्यों हमको त्रिणी करती हुई माने तुच्छ करती हुई। अस्मान माने हमको, बाबू अग्रे को आश्रम मिला हमको हमारी अवहेलना करते हुए, तू देख श्याम सुंदर के संपूर्ण शरीर को आलिंगन करती हुई विराजमान है। बनमाला का लक्षण निरूपण किया गया कि तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोवरि पंचभिर कृतता माला बनमाला प्रकीर्तिता। तुलसी कुंद मंदार पारिजात और कमल, इन पांच फूलों की पांच रंग की जो माला आपादत लंबी हो चरणों तक, उसका नाम है बनमाला। तो तू हम गोपियों को तुच्छ करती हुई परिश्वज्य आभरण श्याम सुंदर का चरण तक स्पर्श करती हुई विराजमान है। महते हृदय या विरासी, तू तो श्याम सुंदर के विशाल वृक्ष स्थल के ऊपर विहार करती है, क्यों हमको चराती है, हमको क्यों तू अनादर करती हुई हमारा विराजमान होती है। सोमंत्र कर्मणि अनादरे विभाषा, ये जो सूत्र है इसके अनुसार यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति जो है वो द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग है, हमारा अपमान करते हुए तू विराजमान हो रही है। तो परिशोज्या पादम हृदय या विहरसी, तू क्यों हमारे साथ में व्यवहार करती हुई विराजमान हो रही है। मधुमुन कहते हैं कि कल्याण लगते महाघट पालेन्द्र युष्मा भी अभिनंदिता, महाघट उनके स्वामी श्री कृष्ण उनका तुमने अभिनंदन कर दिया है, युष्मा भी अभिनंदिता। तब एष मुक्षिता एक हयंगवीन गर्भया गुरुतर गर्गर गर्गर्या कायस्थो की कायस्थक्रियता, इसलिए एक काम करो श्याम सुंदर का तुमने अभिनंदन कर दिया, अब एक भुक्षता ये ब्राह्मण भूखा है भुक्षता, एक हयंगवीन गर्भया एक जिसमें पूरा माखन भरा हुआ हो, गुरुतर गगरिया एक बड़ी सी गगरी माखन से भरी हुई, उसको इस कायस्थ ब्राह्मण को भी कायस्थ क्रियता उसके हाथ में भी सौंप दो, एक गगरी भी इस कायस्थ के हाथ में सौंप दो। कायस्थ माने अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, मैं यहाँ का कायस्थ हूं और मैंने लेखा लिखा पढ़ी हिसाब किताब लगाने वाला, मुझे तुम एक बड़ी सी गगरी कृपा करके प्रदान करो। काय तिष्ठति इति कायस्था, मैंने उस गगरी को मेरे काय माने शरीर के ऊपर हाथ के ऊपर तुम स्थापित कर दो। अधुना अयम काय तिष्ठति, इस समय मैं शरीर के भीतर विराजमान हूं, किंतु कृत गगरी स्थायेश तद्गत पाणत्वा, परंतु मेरे प्राण तुम्हारी माखन की गगरी में ही लगे हुए हैं, भले मैं यहां शरीर में स्थित हूं परंतु मेरे प्राण तो तुम्हारे गगरी में लगे हुए हैं, इसलिए मत काये गगरी कृतम स्थापित हुआ, ये गगरी का जो घर तुम्हारी गगरी का जो माखन है, इस माखन को जब मैं अपने पेट में रख लूंगा शरीर के भीतर रख लूंगा तब मुझे नए जीवन की प्राप्ति होगी, ये इसका भाव है।
कि एक कायस्थ कायस्थ क्रिय था, इस कायस्थ को कायस्थ शरीर में स्थित बना, अर्थात मेरे प्राण अभी बाहर है, इन प्राणों को मेरे शरीर के भीतर स्थापित कर। ऐसे जिसने कहा विशाखा जी कह रही है हम वो लोग, अरे लोग माखन एवं भाव ऐसा मत कह, मत कह सप्त तंतु के लाइन, तुझे पता नहीं है ये माखन हम तुझे थोड़ी दे सकते हैं, ये तो अमनिया आए ठाकुर जी के लिए माखन दिया जा रहा है। सप्त तंतु माने यज्ञ, सप्त तंतु माने यज्ञ, सप्त तंतु माने यज्ञ के लिए ये माखन दिया जा रहा है। और सप्त तंतु का एक अर्थ होता है यज्ञोपवीत। मधुमंगल कहेंगे कि हाँ मैंने भी सप्त तंतु धारण कर रखा है, यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, इसलिए ये मुझे प्रदान कर दो। सप्त तंतु माने यज्ञोपवीत, तो सप्त तंतु माने यज्ञ, यज्ञ का एक माखन है। मधुमंगल कह रहे हैं विशाखे धन्याखर याज्ञ का ब्राह्मण्य आत्मग्रस्तस्यापि तत्र अंगरसत्व अंगरस सत्वोपेक्ष तत्र सुष्ठुनिष्ठां नहि सर्वे बलवा भोजिता। बोले अरे गोपियो, वास्तव में धन्याखर याज्ञ ब्राह्मण्य तुमसे ज्यादा तो धन्य वे याज्ञ ब्राह्मणी थी, मथुरा की यज्ञ पत्नियां वे ज्यादा भाग्यशाली थी, जिन्होंने याज्ञ आत्मग्रस्य अपनी जो अपने घर का यज्ञ कर रही थी, किसी दूसरे यजमान का यज्ञ नहीं हो रहा था, अपने घर का यज्ञ कर रही थी, उस अंग्रस सत्व का उपेक्षा, अंग्रस नामक यज्ञ की उपेक्षा करके वे यज्ञ पत्नियां सुष्ट मिष्ठान दे सुंदर मिष्ठान लेकर के सर्वे भल्लवा भोजिता, उन्होंने हम सर्वे गोपों को आनंद पूर्वक भोजन कराया। और तुम ऐसी लोभन जन कहां से आ गई हो, ऐसी लोभन हो कि युष्मा भी पुनः परग्रस्य सप्त तंतु योग्य, कि तुम तो किसी दूसरे के घर में जो सप्त तंतु माने यज्ञ हो रहा है, तुम्हारे घर का यज्ञ नहीं है, श्री भावरी ऋषि यज्ञ कर रहे हैं और भावरी ऋषि भी वसुदेव जी के लिए यज्ञ कर रहे हैं। ऐसे सप्त तंतु परग्रस्य सप्त तंतु दूसरे के घर का जो यज्ञ है, उस यज्ञ के लिए नवनीत ही नवतंत्र को भी नवनीत लेकर के जा रही हो, और उससे सप्त तंतु की जगह नवतंतु नौतंतु वाला मैं जो ब्राह्मण हूं। यज्ञोपवीत में तीन लर होती हैं और एक लर में फिर तीन तीन धारे होते हैं, इसलिए यज्ञोपवीत का नाम है नवतंतु। सप्त तंतु का यज्ञ ले जाती हो, सप्त तंतु माने यज्ञ, नवतंतु माने यज्ञोपवीत, तो तुम यज्ञोपवीत धारण करने वाले मुझे इस ब्राह्मण को भोजन नहीं करा रही हो। अब सात बड़ा कि नौ बड़ा, मैं तो नवतंतु हूं और तुम तो सप्त तंतु माने यज्ञ के लिए नहीं जा रही हो, इसलिए इस माखन को मुझे जल्दी से खिला खिला। आह दोबारा सुन दे, विशाखे धन्याखर याज्ञ ब्राह्मण वे याज्ञ ब्राह्मणी ब्राह्मण्य याज्ञ ब्राह्मणी परंपरा धन्य है, जिन्होंने अपने घर में होने वाले आंग्रस नामक यज्ञ की भी उपेक्षा करके उस आंग्रस यज्ञ के सुष्ट मिष्ठान्न सुंदर जो मिष्ठान्न बने थे उनसे सर्वे बल्लभा भोजिता सारे गोपों को भोजन कराया, परंतु तुम ऐसी लोभन के पुनः परग रहस्य सप्त तंतु कि किसी दूसरे के घर का यज्ञ हो रहा है, उस दूसरे के घर के
यज्ञ में ले जाने के योग्य नवदी माखन से भी नव तंतु को भी ये नौ तंतु माता मैं जो ब्राह्मण हूं उस ब्राह्मण को भी पूजन नहीं कराया। सत्य तंतु नव तंतु इसका सुंदर ब्राह्मण ये पद्मगत प्रयोग कर रहे हैं, विद्वान है पद्मगत। बोली ऐसी है कि कैसी उत्पन्न हो परंतु परम शास्त्री और सटीक बात कहते हैं। ये सामान्य विभूषण नहीं है, जोकर नहीं है। भारतीय विभूषक और पाश्चात्य नाटकों का जोकर, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। विभूषक की बातचीत में भी परम विद्वत्ता प्रकट होती है, जबकि जोकर विचित्र प्रकार की चेष्टा मात्र करता है। तो ये दोनों में अंतर है। तो ये मधुमंदर को परम विद्वान होकर के विराजमान है और इनकी बोली में परम शास्त्रीय बात छपी हुई है। ललिता जी कह रही है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं ललते यदेश महाघटेश्वर ममो भागाय हारो निशुष्टा तद अतीव सम्यक अनुष्ठितम्। के इस महा घाटी के दान घाटी के स्वामी मेरे लिए आपने उपहार रूप में ये जो हार दिया तो इसको वो उपहार बना दिया। कर्म ने कर्तव्यों की तो बात बाकी है, ये तो आपको भेंट दी गई है। ये ऐसा कह करके आपके श्री कृष्ण तो महाकर्तेश्वर में उनके उपहार रूप में एशो हारो निश्चिता तुमने ये जो हार मुझे सौंपा है तब अतीब समय का अनुष्ठान ये बहुत अच्छा किया। सांप्रतम उद्यान चक्रवर्ती लोग अभीष्ट शुल्के सपर्याम पर्यालोच्यताम। अब उद्यान चक्रवर्ती श्री कामदेव महाराज उनका अभीष्ट जो शुल्क बनता है उस शुल्क को के द्वारा उनकी कैसे तुम सपर्या करोगी पूजा करोगी इसके विषय में भी विचार करो। श्री ललिता जी क्रोध करती हुई कह रही है कि त्वया ज्ञात्वा प्राप्तास्मि तस्मा नकल अयुक्ता एष विडम्बना कर्तना। के क्रोध करती हुई कह रही है त्वया ज्ञात्वा प्राप्तास्मि तस्मा नकल अयुक्ता के तुमने तुमको मैं समझ गई थी पहले ही, इसलिए तुम जो विडंबना कर रहे हो ये विडंब का दर्शना अयुक्त नहीं है। अर्थात त्वया ज्ञात्वा प्राप्तास्मि संपूर्ण शुल्क के रूप में मैंने ये हार तुमको दिया था परंतु तुमने उसको शुल्क के रूप में तो माना नहीं और उसे तुमने स्वर्तन मात्र परिवर्तित केवल अपने उपहार मात्र करके उसको मान रहे हो। हम तो दे रहे हैं तुमको कर और तुम कर को ना कर्म न मान करके ये कह रहे हो तो हमारी भेंट है, भेंट रूप में उसको मान रहे हो। इति यथा स्वामी हम अद्य विडंबय तुम प्राप्त आज अच्छी तरह से मानो मैंने तुम्हारी विडंबना करना चाहा अर्थात मैंने ये हार तुमको कर के रूप में दिया है इसको अपनी भेंट करके मत मान। नानी मुखी कह रही है महादानिंद्र आत्मो अभिमतम दानम दृढ़ कथ्यता। अब आप हमको ये बताओ कि तुम्हारा अभिमत क्या है, तुम्हारा जो अपना अभिमत दान है उसको हमारे सामने कहो। यथा मध्यस्थी हुयो मैं परिचित जिससे मैं तुम्हारे बीच में बीच विचार कर सकूं और मैं परिचित मध्यस्थ होकर के तुम दोनों के झगड़े को मैं दूर करा सकूं। अब आप बताओ कि आप क्या चाहते हो,
ये नामी बीजिया बीच में बीज विचार करने वाली दलाल बन करके आ गई कि तुम बताओ कि अब तुम क्या चाहते। श्री कृष्ण उस समय कह रहे हैं कि नामी मुखी समा करने का सुनो, बल तुम अधिक्रम आ गया पार्षद या तवाग्रे कथम उचित मथेष्टम केवलम मे पराधम, यदि तदभाव वक्ष किम तत्व कुर्याम भवत मत पराधयाम नस्य सृष्टा प्रयाम। बातों की लपेट में अपनी अभिमत वस्तु को कह देते हैं कि बने तो मधिक माविया पाशव दिया स्तवाग्रे के आविया पारे श्रद्धा, तुम आज्ञा माने कौन मासी जी उनकी पार्षद होकर के विराजमान हो, तुम्हारे आगे बन तो अधिकम, यदि मैं अधिक बात कहूंगा तो तब आगे तुम्हारे सामने ज्यादा मांगना वह कथम उचित कभी उचित नहीं हुआ। व्यापारी ऐसी बात करता है, शामसुंदर भी कोई व्यापारी जैसी बात कर रहे हैं, बोले अरे तुमसे कुछ ज्यादा थोड़ी ले रही, तुम तो घर के हो, ऐसे कह रहे हैं तुम तो पौर्णमासी जी की पार्षद होकर के विराजमान हो, तुमसे अधिक कहना हाय हाय ये तो कभी संभव है ही नहीं, ये तो बिल्कुल घर की बात है। तो आर्या पार्षद पौर्णमासी जी की परिषद रूप तब अग्रे तुम्हारे सामने बद तुम अधिकम, अधिक यदि मैं मांगना चाहूंगा तो कथम उचित, वो कैसे उचित होगा, अथेष्टम केवल वे पराध, इसलिए मैं तो केवल पराध की ही इच्छा करता हूं। पराध है अंतिम संख्या, इकाई ढाई सैकड़ा, इनमें पराध जो है वो अंतिम संख्या मानी गई। जहां तक ब्रह्मा था आयुष उसका नाम है पराध, इसके बाद में तो प्रलय हो जाए, तो जितनी भी सृष्टि का क्रम है, सृष्टि की स्थिति है, उसका नाम है पराध संपूर्ण। तो अणु से लेकर के और पराध पर्यंत काल की सीमा है, जहां चतुर्थ स्कंद में काल की सीमा निरूपण की गई वहां अणु से लेकर के पराध पर्यंत काल की सीमा है। अर्थात सूर्य भगवान का रथ एक अणु जितनी देर में पार करेगा, उस रथ के पहिए को अणु मात्र पार करने में जितना समय लगेगा उस समय का नाम है अणु। उसकी गिनती करते हुए चले तो ब्रह्मा की जितनी आयुष्य है वो आयुष्य वो कहलाएगी पराध, उसके आगे कोई संख्या नहीं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अनंत यह संख्या मैं ग्रहण कर रहा हूं, पराध संख्या मैं ग्रहण कर रहा हूं, तुमसे ज्यादा नहीं मालूम बचाई खिला, सबसे बड़ी संख्या तो मांग दी, तो पराध संख्या होनी चाहिए। यदि यदि तद अभाव, यहां पर यदि पराध संख्या देने लायक तुम्हारे पास में टका नहीं है, इस समय तुम लेके तो जाई होगी, यदि तुम्हारे पास में पराध धन देने की सामर्थ्य नहीं है, बक्ष यदि ऐसा कहती हो तो क्यों तत्व को यहां फिर मैं क्या करूं, उसके लिए यह है कि भारत में मैं पराध्याम नस्य हो, आप जो पराधा है माने सर्वोत्तम है उनको मेरे पास में गिरवी रख जाओ। जय 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 बोले हरि श्री किशोरी जी, उनको मेरे पास में गिरवी रख जाओ, मेरी पराध संख्या होती है, इसलिए पराधा जो है माने सर्वोत्तम उन पराधा को ही निश्चय माने यहां पर गिरवी रख दो, अशिष्टा प्रया राधिका को केवल रोकता हूं, तुम सबको जाने की अनुमति देता हूं और सब गोपी चली जाए, श्री राधिका यहां पर जामिन रूप में मेरे पास में रहे, प्रतिभूति रूप में सिक्योरिटी रूप में राधिका रहे, जब तुम पराध धन ला करके मुझे दे दोगे तो राधिका को भी छोड़, तब तक श्री राधिका गिरवी के रूप में जामिन के रूप में मेरे पास में रहे।
नारदी मुखी कह रही हैं कि अरे अरे रलिंग पुंग, अरे रसियाओं में परम चतुर है रलिंग पुंग रसिया चित्रा तब चित्तानुवर्तनी। ठीक है, चित्रा तुम्हारे चित्र के अनुरूप है, तुम्हारे चित्र के अनुरूप तो चित्रा है। तद एषे शुभ्रो चिता, तो एक काम करती है हम आप चित्रा को तुम्हारे पास में छोड़ जाती है। अब एक सखी का नाम आता है, वह चित्रा को तुम्हारे पास में छोड़ जाती है और हम सब जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम तो उपकंठ वर्तनी चित्रा तब असौ नाथ दुर्लभा, वो चित्ता तो मेरी पड़ोसनी है, इसलिए चित्ता चित्रा मेरे लिए कोई दुर्लभ नहीं है, चित्रा को मैं कभी भी प्राप्त कर लेता हूं। इतने में ही चित्रा को जब अस्वीकार कर दिया तो इतने में ही पौर्णमासी जी वहां पर पधारी। जय जय जय, अब पौर्णमासी जी यहां समाधान कर देते हैं। श्री पौर्णमासी जी प्रवेश करके कहती है कि नारद नागरी मूढ़ाक्षत्र, हे नागरी मूढ़ाक्षत्र, यत्र निर्द महास्प्रहोसी ताम के पराजय नापे दुर्लनाम अनर्घाम एक जाने। कि गलत है हे नागर, तुम गलत बात कर रहे हो। नागरी मूढ़ाक्षत्र हमारी मेरी प्राण प्रिय मेरी प्रिय राधिका, ये वो नागरी गणों की मूढ़ाक्षत होकर के विराजमान है। उन राधिका में निबद्ध महास्प्रहोसी, तुम सारी स्प्रहा को धारण किए हुए हो। ताम के पराधे न, तुम्हारा कर बनता है केवल पराध, और उसके बदले यदि तुम ऐसी दुर्लभ पराधे नाम दुर्लभ पराध में भी दुर्लभ उन राधिका को जो अनर्घाम जिनका मूल्य नहीं है उनको तुम रोकना चाहते हो, ये उचित नहीं है। राधिका को अनर्घ है ऐसा जानो। कृष्ण लज्जाशील होकर के कहते हैं अभिवादन करते हुए, भगवती केवल शुल्क वित्ता नाम उपलब्ध है गृहिता करो से, मुझे क्या करना, मुझे राधिका में कोई रुचि नहीं है, मुझे तो केवल अपना कर ग्रहण करना है। सरकारी जो कर है उस सरकारी कर को ग्रहण मात्र करना है, केवल शुल्क वित्त उनकी प्राप्ति करने के लिए मुझे आग्रह है। न तो काकनी पाद मूल्यानाम धवल गोपी नाम, तुम्हारी गोपियों को लेकर के क्या मैं चाटूंगा जैसे काकनी।